नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भारत दौरे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रवाना। रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी हस्तांतरण और कारोबार पर कल होगी बात। आगरा दौरा रद्द होने का ओबामा को अफसोस। अमेरिका के साथ रक्षा और परमाणु समझौतों में तब्दीली की कोशिश का वाम दलों ने किया विरोध। कांग्रेस ने दी संभल कर चलने की नसीहत। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर बीजेपी और पीडीपी में बातचीत। पीडीपी ने कहा अफवाह और पाकिस्तान से वार्ता पर नहीं बदली नीति। बीजेपी अध्यक्ष ने जनता परिवार के एकीकरण को बताया अनैतिक। जेडीयू में विरोध के बीच शरद यादव से मिले बिहार के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के नए पोस्टर में किरण बेदी को बताया गया अवसरवादी। बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल से नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे पर सबकी निगाहें हैं। ये दौरा सरकार के मेक इन इंडिया मिशन और दोनों देशों के सामरिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे से भारत को अमेरिकी पूंजी निवेश में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। राष्ट्रपति ओबामा दो दिन के दौरे पर रविवार की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। बराक ओबामा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो रविवार की सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश सचिव सुजाता सिंह करेंगी। ओबामा की इस यात्रा से भारत को काफी उम्मीदें हैं। I could say we see the visit of President Obama to India as strengthening our ties across the full breadth of our full spectrum relationship. Ties between our governments, ties between our people, and ties between our institutions. 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओबामा की शिखर वार्ता होगी। इसमें दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये समझौते रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और उच्च तकनीक से जुड़े हैं। तकनीक का विकास, उत्पादन और फिर हस्तांतरण इन समझौतों का केंद्र बिंदु है। I think technology cooperation, I should say rather, is an important component in all these segments. दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अगले 10 साल के लिए और आगे बढ़ाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। इसमें रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण और तकनीक के हस्तांतरण की बात भी शामिल होगी। हालांकि कांग्रेस ने आगाह किया है कि ये सिर्फ खरीद बिक्री के लिए नहीं होना चाहिए। As we have said, it cannot be exclusively only a seller-buyer relationship. We are promoting private sector participation in India's defense manufacturing, and American companies, yes, they are welcome, but they should also manufacture systems and bring in latest of technologies for manufacturing in India. अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि होंगे। जानकारों के मुताबिक रिश्ते मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन कई मसलों पर मतभेद कायम हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने, मैं कहूंगा कि ऐसी बातें अब करनी शुरू करी हैं कि भारत के गणतंत्र दिवस पे आना स्वीकार किया है, मैं कहूंगा इसको हमको अच्छे तरीके से मानना चाहिए और उनके पूरे तरीके से उनको वेलकम करना चाहिए। ओबामा का आगरा दौरा रद्द हो गया है। अब वो 27 जनवरी को सुबह औपचारिक कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद सीधे सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत में परमाणु रिएक्टर लगाना और अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के खुदरा व्यापार में निवेश की सहूलियत दिलवाना अमेरिका के लिए काफ़ी अहम है। लेकिन दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी जनता से इस मामले में कुछ वादे किए हैं। अब देखना यह है कि कल होने वाली शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कितना लचीलापन दिखा पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और बराक ओबामा की इस यात्रा पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी। विनोद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो यात्रा है, ये सिर्फ प्रतीकात्मक आप देख रहे हैं इसे, या फिर इसमें कुछ ठोस एजेंडा भी दिख रहा है?
देखिए, जहाँ तक उनका गणतंत्र दिवस की परेड में शिरकत की बात है, मैं समझता हूँ कि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति उसमें शिरकत करेगा और वो एक अच्छी बात है। इससे जाहिर होता है कि हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हाल ही के समय में बेहतर हुए हैं और इनको आगे बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हमें समझता है कि बराबर का रिश्ता अमेरिका के साथ रखना चाहिए। अगर अमेरिका को हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट को कि वो एक सुपर पावर है एक यूनिपोलर वर्ल्ड में, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत दूरदर्शिता नहीं होगी। हमको उनके साथ बातचीत के दौरान कुछ कॉन्क्रीट नतीजे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्या होगा भारत के एजेंडे में? जहाँ तक वहाँ सबसे तो प्रथम आतंकवाद होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका कितना सीरियस है और वो कितनी नकेल पाकिस्तान पे डाल सकता है और क्या वो अकेले वो नकेल डाल सकता है बिना चीन के सहयोग के, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के सहयोग के जो रिश्ते हैं वो सब किसी जगह जाहिर हैं। और जैसे जैसे हम ज़्यादा नज़दीक जाते जाएंगे अमेरिका के, वो रिश्ते रिएक्शन में मजबूत होते जाएंगे। तो कुछ ऐसा कर गुजरना होगा जिससे कि चीन, जो कि P5 का मेंबर है, उसने अभी तक जो अपनी शिरकत आतंकवाद से लड़ाई में दिखाई है वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बड़ा मार्जिनल रोल उनका रहा है। और ग्लोबल वॉर है टेरर के खिलाफ, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, वो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। बाकी चार देश तो जो है वो तो यूरोप से और अमेरिका है, और जो अकेला यूरोप और अमेरिका उस जगह के बाहर से ये चीन एक मेंबर है, और उसने जिस तरह का दबाव पाकिस्तान पे बनाना चाहिए वो नहीं बनाया है, उसी तरह से साथ साथ उसके साथ साथ अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक विरोधाभास है जिसके बारे में हमें समझता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए हमारी तरफ से, कि पेंटागन जो हमेशा पाकिस्तान फौज का हामी रहता है और स्टेट डिपार्टमेंट को दूसरी बात कहता है, पेंटागन दूसरी बात कहता है, और वो जो विरोधाभास है वो विशेषज्ञ मानते हैं और मेरा भी कुछ ऐसा ही कहना है कि वो विरोधाभास दूर करने में रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव रहती है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के। जी, और एक और जो अहम है कि परमाणु समझौते को लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, क्या इसमें कुछ आपको लग रहा है कि आगे बढ़ते नजर आएंगे? समझौता तो नहीं बदला जा सकता क्योंकि उस समझौते में जो कंट्रीब्यूशन है भाजपा की जब वो विपक्ष में थी वो भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, और ये समझौता जो है पार्लियामेंट से एक राय बनाकर निकला है। अब इस समझौते के बाद अगर कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते न्यूक्लियर ट्रेड में हमारी कोई बात बन जाए, उसमें एक मुद्दा टॉर्ट लॉस पे है कि भाई कोई अपने आप से जाके कोर्ट में केस ना कर सके सप्लायर के खिलाफ, तो अब ये बात अगर अमेरिका कह रहा है तो थोड़ा सा मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता, क्योंकि अमेरिका में टॉर्ट लॉस बहुत स्ट्रांग है और हमारे यहाँ तो है ही नहीं लगभग, और अगर किसी एक संदर्भ में उनको लाया जा रहा है वो अच्छा आगाज होगा, क्योंकि भारत को भी, भारत के नागरिक को भी टॉर्ट लॉस चाहिए। अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, राइट टू एजुकेशन उनको दे रहे हैं, राइट टू फूड उनको दे रहे हैं, तो राइट टू कॉम्पनसेशन भी तो होना चाहिए मेरे पास। अगर मैं किसी रेलगाड़ी में कहीं जा रहा हूँ और गाड़ी देर से पहुँची और मेरा एक अहम इंटरव्यू में नहीं मैं पहुँच सका तो मुझे मुआवजा मांगने का हक होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सर्विसेज जब भी इम्प्रूव हो सकती हैं इस देश में जब टॉर्ट लॉस मजबूत होंगे और उनका आगाज इससे किया जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े उद्देश्य के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं और हम कोई ज़रा ज़्यादा आपत्ति नहीं उठाएंगे सरकार पे अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ अगर वो नहीं करती है जिस कॉम्प्रोमाइज़ के चलते बेसिक कैरेक्टर जो न्यूक्लियर कॉम्पनसेशन का जो बदल वो बदले वो नहीं बदलना चाहिए। एकाकी सवाल सर कि जिस तरीके से आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार आगे बढ़ती दिख रही है, एश्योर कर रही है निवेशकों को, इस फील्ड में मैं कहूं तो क्या कुछ नए समझौते, कुछ नए तरीके की दिशा देखेगी दोनों देशों के इस दौरे के साथ? देखिए जरूर होगा, अमेरिका चाहता है कि यहां पर आके वो अपना सामान बेचे, अपनी टेक्नोलॉजी दे हम लोगों को, हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बहुत अहमियत देनी चाहिए। दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम बराबर के हिस्सेदार हैं इस रिश्ते में। हमारे पास जो मार्केट है आज के दिन उसको हमको सही से लीवरेज करना चाहिए जब हम अमेरिका से बातचीत करते हैं, जिस तरह से चीन करता है लीवरेज अपनी मार्केट को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी कंजम्पशन कैपेसिटी को, उसी तरह से भारत को करना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा
जरूर से ज्यादा एग्जूबरेंस धर्मजोशी दिखाना भी ठीक नहीं होता डिप्लोमेसी में। वहां के राष्ट्रपति आ रहे हैं सर आंखों पर, अतिथि देवो भव, ये भारत का कल्चर है, हम उनका पूरी तरह से इज्जत करेंगे, उनकी सुरक्षा का भरपूर प्रबंध करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये अपेक्षा करेंगे उनसे कि जब हम उनसे उनके साथ मेज पे बैठे हुए हैं तो वो हमारी कंसर्न्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारे खौफ को, आतंकवाद के का जो खौफ है इस देश में, हम लड़ेंगे उससे, खौफ तो है आम जनता में लेकिन स्टेट्स खौफग्रस्त नहीं होते, तो वो एक ऐसी हम स्टेट बनना चाहते हैं उनके सहयोग से और P5 मेंबर्स के सहयोग से कि हम आतंकवाद से जूझ के लड़े और उसको डिफीट करें, और उसके लिए उनको पाकिस्तान को दुरुस्त करना पड़ेगा। क्या उनका पाकिस्तान के प्रति रवैया बदला या नहीं बदला, ये तो उनकी विजिट के बाद पता चलेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कैरी लूगर पैक्ट के तहत वो देंगे $500 मिलियन एक और इंस्टॉलमेंट देंगे पाकिस्तान को, लेकिन उसका क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं ये, और ये बताते हैं कि अपनी जाके कांग्रेस को कि ये सकारात्मक कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं, इसके चलते हम इनको दे रहे हैं, तो क्योंकि वो प्रोविजो है, वो कंडीशनलिटी है कैरी लोगर एक्ट में कि जब तक आप तरक्की नहीं कर रहे हैं आतंकवाद करने से तब तक आपको हमारी तरफ से मदद नहीं मिलेगी। विनोद जी, यानी कि कई सारे मुद्दे हैं जहां पर नजर रहेगी, बहुत अहम होगा दौरा। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा शुरू होने से पहले वामपंथी दलों ने देश के अलग अलग शहरों में आज विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी दलों का कहना है कि ओबामा की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रस्तावित रक्षा समझौते भारत के हित में नहीं है। वामदल विशेष तौर से 2005 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते की अवधि बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। बराक ओबामा की यात्रा के दौरान रक्षा सौदों और दूसरे प्रस्तावित समझौतों के विरोध में वाम दलों ने शनिवार को दिल्ली में विरोध रैली निकाली। दिल्ली ही नहीं, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई के अलावा कई दूसरे शहरों में भी विरोध रैलियां निकाली गईं। वामपंथी दलों का कहना है कि ओबामा की यात्रा के दौरान 2005 में हुए रक्षा समझौते को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। वाम दलों के अनुसार ये समझौता पूरी तरह से अमेरिका की रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाला है और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित करता है। इससे अगर ये समझौता लागू होता है तो हमारे देश अमेरिका के एक मिलिट्री एलाई बनेगा, जिस तरह अमेरिका के दूसरे नेटो एलाइज है उसी दर्जे पर हम जाएंगे, और हमारे स्वतंत्र आधार जो है विदेश नीति का, हमारे रणनीति का, वो खत्म हो जाएगा। वाम दलों को आशंका है कि ओबामा की यात्रा के दौरान न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून को कमजोर करने का दबाव भारत पर डाला जा रहा है। इस कानून के तहत अगर भारत में कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो उस सूरत में परमाणु संयंत्र सप्लाई करने वाली कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। आश्चर्य की बात यह है कि ये कानून पास करने में भाजपा ने पूरी तरह समर्थन किया था पार्लियामेंट में, और वही लोग अभी इस कानून को कमजोर करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए काम कर रहे हैं। वाम दलों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस यात्रा के दौरान अमेरिका चाहेगा कि पेटेंट और बौद्धिक संपदा कानूनों में बदलाव किया जाए। उनके अनुसार ऐसा करने से अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होगा और इसकी कीमत भारत की दवा कंपनियों को चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है और ना ही संसद में फिलहाल वामपंथी पार्टियों की इतनी ताकत है कि वो सरकार के फैसलों को चुनौती दे सके। उसके बावजूद वामपंथी पार्टियों ने ओबामा की यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ रक्षा सौदों को लेकर अपना सैद्धांतिक विरोध दर्ज कराया। कैमरामैन राजेश के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अमेरिका से समझौतों में तब्दीली का विरोध कर रहे लोग और क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, विदेशियों को पूरा मौका दिया जा रहा है यहाँ आके लूटने के लिए, जबकि हमारी जनता को दबाने के लिए हर प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं। LIC में पैसा किसका आता है? वो तो पब्लिक से पैसा लेना होता, उन्होंने वो कौन सा पैसा लेके आने वाले हैं? वो कोई पैसा लेके आएंगे, यहाँ के पैसे से कमाएंगे। ये अमरीका जो है एम्बेरस देश है, ये एंटी डेमोक्रेसी है, और जो भी नीतियाँ इसकी हैं
वो हमारी जनता के खिलाफ हैं और हमारे देश के भी खिलाफ हैं। पूरी तीसरी दुनिया के अंदर जो है हथियारों की बेच करता है, वहाँ दमन करता है, लड़ाई झगड़े कराता है, अपने हथियार जो बनते हैं उनको बेचता है। और खबर दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच चुनाव प्रचार में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा। दिल्ली में ऑटो रिक्शा पर केजरीवाल बनाम किरण बेदी के पोस्टर ने राजनीतिक दलों को बहस का एक नया मुद्दा दे दिया। उस बीच अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर न्योता न मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की। दिल्ली की चुनावी बिसात पर आम आदमी पार्टी का ये नया दांव है। आम आदमी पार्टी के इन पोस्टरों में सीधा निशाना बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी पर है। पार्टी ने किरण बेदी को अवसरवादी बताया है। बार बार जो कांग्रेस बीजेपी की आलोचना करती रही और 22 दिन पहले स्वयं उसी पार्टी में शामिल होके मुख्यमंत्री के लिए अगर आगे बढ़ रही है चुनाव में, तो ये अवसरवाद कहा जाएगा। ये दिलचस्प ये है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल और जगदीश मुखी के मुकाबले वाले पोस्टर चिपकाए थे। तब दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को जगदीश मुखी की जगह किरण बेदी का पोस्टर लगाने की चुनौती दी थी, लेकिन इस पोस्टर के आने के बाद बीजेपी तिलमिला गई है। अब ये अवसरवादिता का तो फैसला जनता कर लेगी, क्योंकि जनता को अच्छी तरह पता है अरविंद केजरीवाल जी की क्या छवि है और किरण बेदी जी की क्या छवि है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह पर न्योता नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई है। रिपब्लिक डे को मेरे को नहीं बुलाया उन्होंने, लेकिन इनवाइट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। हालांकि ये भी सच है कि पिछले साल बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह को संसाधनों की बर्बादी कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने इसे दोहरा चरित्र बताया है। 26 जनवरी पर अराजकता को लेकर के धरने पर बैठा और जिन्होंने कहा कि ये 26 जनवरी, मैंने कहा ना झूठ, 26 जनवरी तो बड़े लोगों के लिए है, ये बड़े लोगों का शुगल है, ये जिस तरह की बातें उन्होंने की थी, अब ये क्यों कंप्लेन, उनको क्या लगता है कि बड़े लोगों की चीज में उनको आना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। वही दिलचस्प ये है कि कांग्रेस का जिक्र ऐसे किसी पोस्टरों में नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में 7 फरवरी को मतदान होना है और नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी और बीजेपी में अनौपचारिक बातचीत जारी है। पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज कहा कि बातचीत सफल होने पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए औपचारिक बातचीत की जाएगी। वहीं पर महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। पीडीपी और बीजेपी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। पीडीपी ने इस सिलसिले में बीजेपी से बातचीत की बात स्वीकार की है। शनिवार को जम्मू में पीडीपी नेताओं की बैठक में खुद पार्टी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसका ऐलान किया। हमारी बातचीत ट्रैक 2 पे चलती है और उसके बाद अगर वो कामयाब हो गई, उसमें हम कहीं एग्रीमेंट पे आ गए बहुत सारे बातों पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, उसके बाद स्ट्रक्चर डायलॉग होगा। लेकिन पीडीपी संरक्षक ने साफ किया कि सरकार बनाने के लिए पार्टी अपनी मांग और विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। इनमें अफस्पा हटाना और पाकिस्तान से बातचीत शामिल हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी शुक्रवार को कहा था कि राज्य में जल्द ही नई सरकार का गठन होगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बातचीत जारी होने की बात कही थी। सरकार को लेकर के बनाने की प्रक्रिया है, इसके लिए सरकार पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से कुछ एक नेताओं को अधिकृत किया गया है। दे हैव बीन ऑथराइज्ड एंड लेट देम डू देयर जॉब। जम्मू कश्मीर में अभी गवर्नर रूल है। 87 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी के 25 विधायक हैं। 15 विधायकों वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी, लेकिन पीडीपी समर्थन लेने से इनकार कर चुकी है। कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली है, जबकि दूसरी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 7 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनता दल परिवार के एकीकरण को अपवित्र गठबंधन करार दिया है। शाह ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मीडिया को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में कुछ
चैनल एजेंडा सेट कर रहे हैं। बिहार दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने प्रदेश सरकार से लेकर जनता परिवार के विलय तक सभी की आलोचना की। उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन को स्वार्थी और जनता के साथ धोखा करार दिया। जिस तरह का एक अपवित्र गठबंधन शेप लेने जा रहा है, आकार ले रहा है, मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता इनकी एकता से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगी। अमित शाह ने कहा कि बिहार में अच्छी सरकार बनने पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 243 में से 185 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आने वाले दिनों में हम 185 से ज्यादा सीट प्राप्त कर बिहार को भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी और मजबूत सरकार देंगे और बिहार को जंगल राज से मुक्त कर देंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता जीतन राम मांझी अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो उस पर विचार होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कुछ न्यूज चैनलों पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल दिखाने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से अनबन की खबरों से इनकार किया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने आज मांझी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक के बाद मांझी ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। हाल ही में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के समर्थकों के बीच जुबानी जंग से पार्टी के भीतर संकट की आशंका जताई जा रही थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अमृतसर में नशाखोरी के खिलाफ ललकार रैली की। इस रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी समेत प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। अमरिंदर सिंह ने रैली के जरिए सत्ताधारी अकाली दल और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्य में नशाखोरी के लिए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अकाली बीजेपी सरकार में राज्य पिछड़ेपन का शिकार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए बैंकों को ईमेल भेजकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी जनधन बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बैंकों से वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए दोगुनी कोशिश करने की बात कही और आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कुल परिवारों में से 99% से ज़्यादा योजना के दायरे में लाए जाएंगे जो तय किए गए लक्ष्य से अधिक हैं। प्रधानमंत्री ने सब्सिडी का पैसा सीधे खातों में पहुँचाने को बेहद अहम बताया। हैदराबाद पुलिस ने एक प्राइवेट फैक्ट्री से 250 से ज़्यादा बाल मजदूरों को छुड़ाया है जिनमें से 10 लड़कियाँ भी हैं। पुलिस के मुताबिक छुड़ाए गए ज्यादातर बच्चे बिहार के हैं जिनकी उम्र 8 से 13 साल के बीच है। पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान फैक्ट्री में मारे गए छापे में इन बच्चों के बारे में पता चला। सी सो मेनी चिल्ड्रन आर बीइंग केप्ट इन सम रूम्स विद वेरी वेरी पैथेटिक कंडीशन and they are being exploited for the purpose of hazardous employment. पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के करगिल में आज न्यूनतम तापमान -17 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि लेह और लद्दाख में -14.4 डिग्री सेल्सियस। पंजाब और हरियाणा में कोहरे के चलते रेल और हवाई यातायात पर इसका असर हुआ। पंजाब में सबसे कम तापमान अमृतसर में 3 डिग्री के करीब रहा, वहीं हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के साथ भेदभाव खत्म करने की अपील की। मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्र निर्माण में लड़कियों की उपलब्धियों की सराहना की। माओवादियों ने ओडिशा के रायगढ़ जिले में विशाखापट्टनम रायपुर रेल लाइन पर आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और रेल ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा।
जिसकी वजह से विशाखापट्टनम रायपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। जेल से रिहा होने के एक दिन बाद इरोम शर्मिला को पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। इरोम शर्मिला को खुदकुशी की कोशिश के आरोप में आईपीसी की धारा 309 के तहत शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। भारतीय सेना ने बीते साल कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साह ने बताया कि साल 2014 में यहां 101 आतंकवादी मारे गए। थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री यंगलुक शिनावात्रा अब अगले 5 साल तक राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। सेना के नियंत्रण वाली नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने शिनावात्रा के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में मतदान किया। सऊदी अरब के सुल्तान शाह अब्दुल्ला के निधन पर भारत ने आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। शाह अब्दुल्ला के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। सऊदी अरब के सुल्तान शाह अब्दुल्ला का शुक्रवार तड़के निधन हो गया था। देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाई गई। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।